नमस्कार, गोरखपुर न्यूज परिवार की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपदा विभाग की तरफ से सभी छठ घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की जाएगी तैनाती। आपदा मित्र व आपदा सखी लोगों को करेंगे जागरूक। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। जेल में बंद 30 महिला बंदी छठ का करेंगी व्रत। जेल प्रशासन द्वारा सभी महिला बंदियों को सामग्री करवा दिया गया उपलब्ध। जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने दी जानकारी। नगर निगम के द्वारा एकला बंदे पर कूड़े का किया जा रहा निस्तारण। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने दी जानकारी। एसडीएम सदर कुमार सौरभ की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए भूमि विवाद से संबंधित, मामलों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। छठ पर्व पर रेल यात्रियों के लिए पूरे देश में 1700 चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन। अलग अलग स्टेशन से यात्री कर रहे हैं यात्रा। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। छठ पूजा को लेकर यातायात पुलिस ने किया रूट डायवर्जन। 19 नवंबर यानी रविवार की दोपहर 2 बजे से लागू हुआ डायवर्जन अगले दिन सुबह छठ पूजा समाप्त होने तक रहेगा प्रभावी। एसपी यातायात श्यामदेव बिंद ने कहा, रूट डायवर्जन का सख्ती से कराया जाएगा पालन। यातायात पुलिस द्वारा यातायात माह के दृष्टिगत गंगोत्री देवी महाविद्यालय में स्टाफ और छात्राओं को यातायात नियमों के संबंध में किया गया जागरूक। छात्राओं ने रैली निकालकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जनमानस को यातायात नियमों का पालन करने का दिया संदेश। रिक्शा में छूटा लैपटॉप, पर्स, एटीएम कार्ड इत्यादि सामान को यातायात पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर बरामद कर पीड़ित को किया गया सुपुर्द। पीड़ित ने यातायात पुलिस का जताया आभार की प्रशंसा। छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराने को लेकर एसपी नॉर्थ ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। तैयारियों का लिया जायजा। कहा, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के लिए किए गए हैं कड़े प्रबंध। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा छठ पर्व का त्यौहार।